हे गाइस, वेलकम टू चैनल यूपी ट्रिपल एस सी अड्डा। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन इज आल्सो गोइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले हैं लेखपाल एग्ज़ाम से रिलेटेड और कुछ थोड़ी सी न्यूज़ जो आई हैं आज सुबह सुबह जो फ्लैश हो रही थी वीडियो के बारे में। ठीक है, तो अगर आप एस्पिरेंट हैं यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्ज़ाम के तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। तो पहले मैं बता दूँ वीडियो के एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम जो है वो मार्च में ही एक्सपेक्टेड है। ठीक है, मार्च में हो जाएगा वो। बाकी अभी आयोग की तरफ से कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया। जो भी खबरें आ रही हैं सब अपना अपना गैस लगा के और मतलब जो भी अपना गणित लगा के बता रहे हैं आपको। ठीक है, मैं फ़िलहाल यही मानता हूँ कि जब तक ऑफिशियल कुछ ना आए वो आप उस पर एकदम आँखें मूंद के विलीन मत करें। अगर मैं बोल रहा हूँ मार्च है तो मार्च में भी विलीन मत करें, बट हाँ ये मैक्सिमम टाइम है, मार्च अप्रैल में आपका पेपर हो जाना है। ठीक है, फेब लास्ट था, मैंने लास्ट बोला था फेब लास्ट और मार्च में। ठीक है, तो फेब लास्ट का तो अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब जैसा खबरें आ रही हैं कि डीवी वगैरह और ये इंटरव्यू वगैरह सब हो रहे हैं जो पिछले एग्ज़ाम में 2016 के उनके, तो थोड़ा इनमें बिजी होगा आयोग। तो फिलहाल मार्च आप मान के चलें कि मार्च में हो सकता है। ठीक है, अब बहुत रेयर चांस हुए अगर वो डिले हुआ अप्रैल में जाएगा। ठीक, दूसरी बात अब लेखपाल की तरफ आ जाए तो लेखपाल में भी सुनने में आ रहा है दो क्वेश्चंस पे आयोग का मन बनना है कि उसमें मार्क्स फुल मार्क्स देने हैं। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है कि फुल मार्क्स मिलेंगे या जो सही है उसको सही करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से जो उज्ज्वला वाला क्वेश्चन है उसमें फुल मार्क्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आयोग का ही जो ऑप्शन दिए हैं उसने चार, उसमें से एक नन ऑफ दीज दे रखा है। अगर इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग नन ऑफ दीज ही होगा और वो सही है। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको आता है। ठीक है, उज्ज्वला ये सबको पता नहीं था, जिनको पता था उज्ज्वला है एक ऐसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए योजना, उन्होंने फिर इंग्लिश में पढ़ा तो उन्होंने उज्ज्वला वो उन्होंने स्पेलिंग में मिस्टेक पाई तो उन्होंने सोचा कि इसमें से कोई होगा नहीं क्योंकि ये उज्ज्वला जो है गैस सिलेंडर वाली है, तो माइंड मेकअप उनको पता होने के बाद भी उन्होंने नन ऑफ दीस लगाया। तो ऐसा भी हुआ होगा, अब कुछ को पता नहीं था तो उन्होंने वैसे नन ऑफ दीस लगा दिया क्योंकि उन्होंने खाली उज्ज्वला पढ़ रखी थी तो उन्होंने कहा ये तो गैस वाली है। तो फिलहाल वो मेरे हिसाब से एफएम नहीं होना चाहिए, उसमें नन ऑफ दीस ही सही होगा। बाकी जो भी आयोग या कोर्ट फैसला लेगा वो सबको पता लग ही जाएगा। बाकी एक सोलर पंप वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी बता रहे हैं कि फुल मार्क्स मिलने के उम्मीद है। ठीक है, तो अभी बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि जो ऊपर है टॉप पे, एक बात ये ध्यान में रख लीजिए, जो टॉप पर हैं उनके अभी ये सही हैं क्वेश्चन दोनों, और जैसे ही ये क्वेश्चन जब फुल मार्क्स मिलेंगे तो जो बच्चे ढाई नंबर बढ़ेंगे, ये जो बच्चे अभी कटे हुए हैं 77, 75, 76 पे हैं, उन्हें बहुत रेयर होंगे जिनका ये वाला सही होगा, तो वो ढाई नंबर छलांग मारेंगे। तो अभी बहुत कुछ होना है, उलटफेर होना है, और ये जो नेताजी जो खबरें देते हैं और कट ऑफ बता रहे हैं इसकी कट ऑफ में उलटफेर भी होना है। ठीक है, फिलहाल अब मुद्दा आता है कि भाई नेताजी जो कह रहे हैं उनकी बातों का क्या है, क्या करना है। एक तरफ नेताजी कह रहे हैं कि आयोग बहुत बिजी है और जो एग्ज़ाम है एक्सपेक्टेड डेट है वो भी डिले होंगी, और एक तरफ नेताजी लोगों को उकसा रहे हैं कि आप लोग जाके मतलब आयोग में जाएं और वहाँ बात करें, रिज़ल्ट के लिए प्रेशर डालें या फिर आप लेटर्स पोस्ट करें। ठीक है, तो वो लोग पोस्ट भी कर रहे हैं। अब ये हैं कौन, ये मेरे हिसाब से 400-500 से ज़्यादा लोग नहीं हैं जो 80+, 82+ जो हैं मार्क्स इनके, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये लोग अब इनको पता है और ये सीनियर भी हैं, मतलब इनको 5-6 साल हो गए, जब 18 के इसमें वीडियो दिया है इन्होंने, सबने मोस्टली दिया है 2018 का वीडियो, तो 4 साल तो वही हो गए। ठीक है, तो हम अगर 2018 भी मान लें तो 4 साल का है। अभी इनको पता है कि 8000 वैकेंसी है, एक 8000 नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अब अगर 2000 ये जो घुस भी गए नकल वाले, ठीक है, तो कट ऑफ तो 82-83 जाने वाली नहीं है। हमारा जो सिलेक्शन है वो हमारा तो हो ही जाएगा, भाड़ में जाए जनता जो कह रही है 75, 76, 77 मार्क्स लेके एनी चांस, और वो बाउंड्री पे अपने आप को फील कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कट ऑफ बताई है 78-77। ठीक है, तो अब वो 2000 जो कटेंगे तो वो किसके कटेंगे, वो 2000 नीचे जो 77 वाले हैं उनकी नौकरियां जाएंगी। भाई वो तो अच्छे नंबर लेकर बैठे, तुम किसी से पूछ लो, उनसे जब पूछोगे तुम्हारे नंबर कितने हैं वो 84, 85, 86 ऐसे बताएंगे, 87 कोई 90 भी बताएगा। ठीक है, तो उनको बताए धांधली कितनी हो जाए, हमारा तो सिलेक्शन होना ही है, मरेगी किसकी, जो बाउंड्री पर बैठा है 76-77 मार्क्स लेकर 78 मार्क्स लेकर बैठा है, मरेगी उसकी। तो भाई साहब इस तरीके की हरकत मत करो,
400-500 लोग हैं जो ये सब किए हुए हैं, रिजल्ट है। देखो अभी ये दो क्वेश्चन का उलटफेर होगा तो भी बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो 76-77 पे है उनका भी इसमें उनको भी फ़ायदा मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके ये क्वेश्चन अभी गलत होंगे, जब उनको फुल मार्क्स मिलेगा तो वो आगे बढ़ेंगे। और जो 85-86-87 लेकर बैठा है उनका अभी सही है, तो तुम्हें उनका फासला कम हो जाएगा, इन दो क्वेश्चन से आने से फासला कम हो जाएगा। फिर दूसरा, आप इस बात को समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 2050 में दो रिजल्ट, ठीक है, बट अभी रिसेंट में जो रिजल्ट आए हैं, जैसे UPSI है या फिर NTPC है, इनकी भर्ती हो जाए, जो अभी हम जनवरी फरवरी मार्च तक उम्मीद है कि ये सब निपट जाएंगे, तो अगर मार्च उर्च में होली के बाद जैसे मैंने बताया इस टाइम तक रिजल्ट आता है मार्च अप्रैल तक, तो ये लोग सब चले जाएंगे, SI वाले भी और NTPC वाले भी उम्मीद कर रहे हैं लेवल 5 पे चले जाएंगे, तो ये लोग लेखपाल में लौट कर नहीं आएंगे। इन सब का फ़ायदा उन लोगों को ही मिलेगा जो अभी बाउंड्री पर हैं। तो अब आपको खुद ही फैसला करना है कि ये करना हमें क्या है, रिजल्ट हमको तुरंत चाहिए। देखो तुरंत रिजल्ट आ भी गया तो होना तो कुछ है नहीं, नुकसान ही होगा एक तरीके से। अगर रिजल्ट आ गया और DB उन्होंने जनवरी में करा ली तो जनवरी में ट्रेनिंग पर नहीं जा रहे हैं सही वाले, जब आदमी खाली बैठा होगा तो उन्होंने सोचा ला घूम ही आऊँ लखनऊ जाके, और थोड़ा सा मैं अपना तौरा मार दूंगा जाके कि भाई मेरा तो SI में भी हो रखा है, मेरा यहाँ NTPC में भी हो रखा है, लोगों को क्योंकि एक मेंटालिटी होती है, ठीक है, लोग आप कितना भी उनको बोलें लोग जाएंगे, कुछ लोग होंगे मानेंगे आपकी बात हाँ कि चलो हम नहीं जाते, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि भाई थोड़ा सा माहौल बनाना होता है और माहौल बना के ज़रा तभी लोग सामने वाले अरे भैया आपका यहाँ भी हुआ, आपका कैसे, आपकी स्ट्रेटेजी थी, आपने क्या पढ़ा, फिर वो तो इस तरीके की बातें, तो ये सब बातें होंगी। तो यही सब बातें को मद्देनज़र रखते हुए आप ये सोच लीजिए कि बाउंड्री वालों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद बात है, इन दोनों रिजल्ट का क्लियर हो जाए पूरा, ठीक है, ये जो दोल मार्क्स की बात चल रही है कि केस जो चल रहा है इसको निपट जाने दो, एक दो महीने हैं, जब इतना वेट किया तो एक दो महीने और वेट कर लो, फ़ायदा तुम्हारा ही हो जाएगा, किसी और को नौकरी नहीं मिलने वाली है, फिर उनको तो मिलेगी, 75 जाए, 80 जाए, 82 जाए, जो आपसे कह रहे हैं कि धरना दे लो, वहाँ जाके ज्ञापन दे लो, ठीक है, या फिर आप कुछ भी सेंड करवा रहे हैं कि आयोग को दो, मुख्यमंत्री को दो, उनका तो होना ही है कितनी भी कट ऑफ जाए, क्योंकि वो 87-88-90 नंबर लिए बैठे हैं। अपनी सोचो, आप लोग बाउंड्री पे हैं, आपके लिए क्या फ़ायदेमंद रहेगा, अभी रिजल्ट या फिर एक दो महीने के बाद रिजल्ट। बाकी आप सब जानते हैं, समझदार हैं, लेखपाल की नौकरी करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।